गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टीचिंग फाइल का इंडेक्स जैसे कि मैं आपको पहले भी भेज चुकी हूँ और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो हमने काम किया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगी। टीचिंग ऑब्जर्वेशन लेसन्स मैंने आपको भेजे थे जिसमें टीचर्स के ऑब्जर्वेशन लेसन्स बनाने हैं आपको 10+10 फॉर ईच फाइल ईच टीचिंग सब्जेक्ट। तो 10 एक टीचिंग सब्जेक्ट के और 10 दूसरे टीचिंग सब्जेक्ट्स के, मतलब यू हैव टू प्रिपेयर 20 लेसन प्लान्स, ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान्स ऑफ टीचर्स। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट बुक में आपने कोई भी टेक्स्ट बुक एनालाइज करनी थी जिसका भी आपको PDF सेंड कर दिया गया है। टेक्स्ट बुक कोई भी हो सकती है आपके टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट SS या हिंदी है तो हिंदी या SS का कोई भी एक टेक्स्ट बुक आप ले लो, चाहे हिंदी की ले लो, चाहे आप SS की ले लो, कॉमर्स वाले, चाहे कॉमर्स की, चाहे इकोनॉमिक्स की, फिजिकल साइंस की, मैथमेटिक्स की, जो दो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी एक टीचिंग सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक का एनालिसिस किया जा सकता है, जिसका एग्जाम्पल आपको भेज दिया गया है। पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन में जो आपके क्लासमेट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन है, इसका जो पैटर्न है वो सेम टीचर ऑब्जर्वेशन वाला ही रहता है, लेकिन ये होगी आपके क्लासमेट्स की ऑब्जर्वेशन 10+10 ईच। स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में भी आपको हमने सेंड की थी PDF की। स्कूल के बारे में आपने जिस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप हुई है उस स्कूल की पूरी परफॉर्मेंस, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका टाइम टेबल और उसमें क्या होता है, किस तरीके से स्कूल चलाया जाता है, इसके बारे में आपको एक PDF भी सेंड की है हमने। उसके अकॉर्डिंगली आपने फोर्थ टॉपिक जो आपका स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम का है। फिफ्थ टॉपिक जो था वो था लेसन प्लान्स का, जो 10+10 ये भी आपने 20 बनाने थे बोथ टीचिंग सब्जेक्ट्स के, ठीक है। 10+10 मतलब 20, SS के 10, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10 या फिर इसके SS के 10, ऐसे ही फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, होम साइंस, म्यूजिक, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट्स दो हैं उनके 10-10 आपने लेसन प्लान्स बनाने थे। और हमने पूरी कोशिश की है कि इनके सभी मीडियम्स के इंग्लिश और हिंदी का PDF आपको सेंड कर दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन पेपर्स, अब जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज सिक्स्थ टॉपिक ऑफ योर इंडेक्स ऑफ योर टीचिंग फाइल इज क्वेश्चन पेपर्स ऑफ फुल सिलेबस ऑफ एनी वन टीचिंग सब्जेक्ट्स अलोंग विद ब्लूप्रिंट। दोनों टीचिंग सब्जेक्ट्स में से सिर्फ एक टीचिंग सब्जेक्ट का पूरा फुल टर्म का आपने क्वेश्चन पेपर बनाना है, ठीक है। जो फाइनल टर्म होती है उसका 100 मार्क्स का या 80 मार्क्स का आपने क्वेश्चन पेपर बनाना है एक, और ब्लू प्रिंट को फॉलो करना है। ब्लू प्रिंट आपको मैं सेंड करती हूँ, इसका भी PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर्स के सैंपल भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सैंपल पेपर हमारा आपने क्वेश्चन पेपर का करना है, आप अपने नज़दीक या आपके स्कूल में आपके बच्चों के कोई भी क्वेश्चन पेपर्स आपके पास हों उन क्वेश्चन पेपर्स को आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो आप देखेंगे जो आपकी टीचिंग सब्जेक्ट की आपने फर्स्ट ईयर में जो थ्योरी की है उसमें आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग फोर्थ यूनिट में असेसमेंट वाले में आपको मिल जाएगा इनकी थ्योरी पर। मैं इनकी PDF भी आपको सेंड करूँगी, इन दोनों की PDF भी आपको मैं सेंड कर रही हूँ। तो ये अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग का है और दिस वन इज क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी ईजी कि आपको क्वेश्चन पेपर उठाना है आपका 8th का 9th का 10th का 6th 7th 6th onward 6th to 10th, कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी क्लास का आप उठा सकते हैं आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। कोई भी आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसको अपनी फाइल में लिख देंगे, ठीक है। ब्लू प्रिंट आपको मैं भेज देती हूँ, ब्लू प्रिंट भी सबका आपका अलग अलग आपको देखेंगे। NCERT की बुक्स में पहला जो दूसरा पेज होता है वो ब्लू प्रिंट का ही होता है, तो वो ब्लू प्रिंट आप वहाँ से भी उठा सकते हैं, ठीक है। वो आपको बना बनाया वहाँ पे मिलेगा। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग की मैं आपको PDF भेज रही हूँ, उनको आप इससे आप देख के करेंगे। तो अब आप देखिए जो आपकी टीचिंग फाइल है उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 जो टॉपिक हैं इसके आपके हो जाने चाहिए दिस वीक आपकी कंप्लीशन होनी चाहिए 8 टॉपिक। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स बचेंगे नेक्स्ट टीचिंग फाइल के। 4 फाइल्स आपकी PPC की हो चुकी हैं। अब आप टीचिंग फाइल कर रहे हो, दो दो अलग फाइल्स नहीं बनेंगी, एक ही फाइल बनेगी दोनों सब्जेक्ट की, क्योंकि इसमें देखो
दोनों दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में हम इसी में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और पहला पैटर्न था वो जब अलग अलग दो फाइल्स बनती थी, अब एक ही फाइल्स बनती है जिसमें दोनों ही टीचिंग सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो उस हिसाब से आपने ये पेजेस पे कर लेना असाइनमेंट शीट पे। पेजेस पे करने के बाद ये सारे टॉपिक्स को अलग 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 करते रहोगे। दो जैसे 10 पेजेस के हो जाएंगे, 10 पेजेस के, ऐसे सबको जोड़ दोगे। जोड़ के आप एक ही फाइल बना लोगे, टीचिंग फाइल। इसका फाइनल पेज जो फ्रंट पेज है वो भी मैं आपको बाद में सेंड करूँगी। पहले आप इन पोर्शन को रेडी करके एक तरफ रख लीजिए। जब हम एंड तक आ जाएंगे देन वी विल बाइंड इट ऑल, तो हम सबको इसको बाइंड कर देंगे। तो ये है आपका आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग, ये तीनों का मैं आपको सैम्पल्स भेज रही हूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने अगले टॉपिक को क्लियर कीजिए। थैंक यू।